वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आप सब लोग कैसे हो, उम्मीद करता बहुत ही अच्छा हो गाइस। तो गाइस आप लोग को जो है मैं आज दिखाऊंगा जो टोक्यो स्टेशन में जो है इंडियन बैंक है, तो इंडियन बैंक में कैसे जाता है और क्या कौन सा साइड में है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं टोक्यो स्टेशन, ये देखिए टोक्यो स्टेशन है, बाहर निकल के कैसे इंडियन बैंक में जाना है वो टोटली आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जापान टोक्यो में जो है स्टेट बैंक भी है, इंडियन बैंक भी है, तो आज मैं आप लोगों को इंडियन बैंक कहाँ पर है वो दिखाता हूँ, प्यार से दिखाता हूँ, बहुत गौर से दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, उस तरह से दिखाऊंगा, आप लोग गौर से देखिएगा, वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो स्किप कर लोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये कौन सा साइड है मैं थोड़ा देखता हूँ, इन्फॉर्मेशन देख के फिर आप लोग को बताता हूँ। मारुनोची साउथ एंट्रेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है एक्साइड से, ठीक है, यहाँ से निकल के फिर ये देखिए वहाँ पर कोबांग लिखा है, और ये देखिए जो सर्कल है टैक्सी स्टैंड है, ये देखिए होटल ड्रॉप लिखा है, ये टैक्सी स्टैंड है, और इस तरह का बिल्डिंग है सामने, ये देखिए ये नज़ारा देख लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ से बाहर होके फिर आपको इंडियन बैंक में कैसे जाना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाहर निकल गया, निकल के ऐसे जा रहा हूँ, ये देखिए टैक्सी स्टैंड है, और ये जरा सा गौर से देखिए, ये है, यहाँ से निकल के फिर कैसे जाना है आपको, ये देखिए मैं यहाँ से निकल के ये देखिए सर्कल है, और ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। जापान में इंडियन बैंक कहाँ पर है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, टोक्यो में, मेन टोक्यो स्टेशन में, ये देखिए साउथ एंट्रेंस, ये भी इधर से भी है गेट, वो सामने से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से निकल के आपको यहाँ से जाना है, कैसे जाना है वो मैं आप लोग गौर से दिखा रहा हूँ, प्यार से, आप लोग वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करिएगा गाइस। ये टोक्यो स्टेशन से मैं निकला बाहर, साउथ एंट्रेंस से बाहर निकला, साउथ एक्साइड से, ठीक है, निकल के ये देखिए ये सब बिल्डिंग है, ये देखिए यहाँ से दूर से दिखाता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा, वो जो सामने है वहाँ पर है इंडियन बैंक। तो आप लोगों को जो यहाँ से निकल के लेफ्ट में जाके ये सामने का जो सिग्नल दिख रहा है, ये सिग्नल पार होके सीधा जाके सीधा देखिए वो देख रहा है एक रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है और वाइट का, उस बीच में जो छोटा बिल्डिंग है वही बिल्डिंग है इंडियन बैंक, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ से उस पार जाना है, रोड क्रॉस करना है, क्रॉस करके फिर आपको राइट मारना है, राइट सीधा चलना है आपको, ठीक है। तो सीधा चलते चलते फिर आपको सीधा उस बिल्डिंग का पास जाना है, तो अभी सिग्नल रुका हुआ है, रेड है, जैसे ग्रीन होता है वैसे मैं चलते रहूँगा, ये अभी देखिए ग्रीन हो गया, तो मैं अभी चल रहा हूँ येलो के साथ, सीधा सिग्नल पार होके ही राइट मारेंगे, मैं राइट टर्न लेंगे, ठीक है। बस आप लोग ज़रा से स्किप नहीं करेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा, ये हो गया रोड क्रॉस, ठीक है, क्रॉस हो गया, अभी राइट टर्न ले लिया मैंने, देखिए अभी राइट टर्न लेके सीधा जाना है, जो आपको दिखाया पहले बिल्डिंग रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, ये सीधा चल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ से आप सीधा चलते रहिए और सामने में जाके और बताता हूँ। और देखिए गाइस मैंने पीछे छोड़ के आया स्टेशन, ये देखिए स्टेशन छोड़ के आया, यहाँ से सिग्नल क्रॉस करके ये आ गया, ये मेरा पीछे का रोड है, ठीक है, पीछे छोड़ के आ गया मैं, ये आपको फिर से देखा रहा हूँ घुमा के, पीछे छोड़ के आया स्टेशन, ठीक है, ये देखिए। तो आप जो है मैं सीधा चलते ही गया, सीधा चलते जा रहा हूँ, और थोड़ा बाकी आ गया, देखिए सामने देख रहे हैं नज़र आ रहा है, तो आप लोग सीधा चलते रहिए गाइस, इधर उधर नहीं मिलेगा, अब यहाँ पर जाके देखिए फिर सिग्नल है, लेफ्ट टर्न है राइट टर्न है, आपको कहीं भी नहीं लेना है राइट या लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, सीधा चलते रहना है, ये मैं सीधा चल गया, राइट लेफ्ट
राइट लेफ्ट टर्न नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये देखिए और थोड़ा बाकी रह गया, देखिए वो भी देख लीजिए, देखिए रेड कलर का बिल्डिंग देख रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर पहुँचने के बाद ये देखिए एक शॉप है, ठीक है, लिखा है शॉप। और देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए राइट में भी राइट है लेफ्ट है रोड, और मैं फिर से एक बार पीछे का दिखा रहा हूँ। देखिए तो आपको कहीं भी टर्न नहीं लेना है, सीधा इसको क्रॉस करना है फिर से। ये देखिए इधर राइट में गया है और ये लेफ्ट में भी गया है रोड, लेकिन मुझे सीधा चलना है, बस अभी मंजिल तक पहुँच ही गया है। ये देखिए जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जो सफ़ेद एक बिल्डिंग बोला था, इसमें ये जो बीच का बिल्डिंग है यही है इंडियन बैंक, ठीक है। ये देखिए अभी मैं थोड़ा दिखा था आपको, साइन बोर्ड भी दिखा देता हूँ उनका बैंक का। अभी बंद है, 3 बजे बंद हो जाता है। ये देखिए देख रहे हैं इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए रेड बिल्डिंग का बाजू है बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है गाइस, आपको वो पता चला, अगर पता नहीं चला तो फिर मेरा वीडियो में कमेंट्स कीजिए, फिर मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूँगा, या तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर आप लोगों को किसी को अगर बैंक अकाउंट खोलना है इंडियन बैंक में, तो वहाँ पर जाके आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो ये है इंडियन बैंक टोक्यो में, टोक्यो स्टेशन का बहुत ही नज़दीक है, 5-6 मिनट लगता है चल के जाने के लिए। ये देखिए बैंक ऑफ इंडिया ये बिल्डिंग, और ये जो पीछे से छोड़ गया मैं, ये देखिए एड्रेस भी लिखा है, ब्रांच लिखा है, देखिए सब कुछ जापानी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। ये पीछे का वो देखिए स्टेशन दिख रहा है, टोक्यो स्टेशन। तो ठीक है गाइस, आप लोगों को दिखाया मैंने बैंक ऑफ इंडिया टोक्यो जापान में, ठीक है, स्टेशन का नज़दीकी है, 5 मिनट लगता है यहाँ पर आने के लिए। तो आप लोग अगर समझ भी नहीं आया तो मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैं यहाँ पर कॉल भी कर सकते हो, या तो मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को डिटेल बता दूंगा। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर इस चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा जापान के बारे में, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा वीडियो लगे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, ओके बाय।